अगर आपको भी डिजिटल ओशन क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना प्रॉक्सी बनाना है जिसमें आप इस्तेमाल करने वाले हो ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको अपना उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके प्रॉक्सी रेडी करना है ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना डिजिटल ओशन के अकाउंट को कुछ इस तरीके से कर लेंगे लॉग इन, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉपलेट्स। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे लोकेशन, आपको किस लोकेशन में अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट करना है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, उबंटू। सबसे पहले हम सीखेंगे 20 वर्जन, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपको किस टाइप का सीपीयू चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए, इंटेल का या फिर एएमडी का। फिर इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे अपना वेरियंट, आपको कितना कॉन्फिग्रेशन का वर्चुअल मशीन रेडी करना है। फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर सेलेक्ट रखेंगे पासवर्ड में, हालांकि अगर आपका यहाँ पर है तो आप यहाँ पर इसे कर दोगे क्योंकि प्रॉक्सी बनाने के लिए हम सीएमडी का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, ध्यान रहे आपका पासवर्ड एड करेक्टर का होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर होस्ट नेम को थोड़ा कर लेंगे छोटा, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ड्रॉपलेट। इसके बाद आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट, फिर कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें इसे प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इसे करेंगे कॉपी, फिर अपने कंप्यूटर में यहाँ पर टाइप करेंगे सीएमडी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट, इसे कर लेंगे ऑन और यहाँ पर टाइप करेंगे sshc स्पेस रूट एट द रेट और आई पी एड्रेस को कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के लिए माउस का राइट बटन या फिर टच बार का राइट बटन, आप दोनों में से जो भी यूज़ कर रहे हैं बस आपको राइट बटन में प्रेस करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे पेस्ट, फिर करेंगे एंटर। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे यस, इसके बाद टाइप करेंगे पासवर्ड, ध्यान रहे आपको यहाँ पर पासवर्ड वही टाइप करना है जो वर्चुअल मशीन बनाते वक्त रखे थे, देन करेंगे एंटर। तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कनेक्ट। इसके बाद इसे हमें प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट चाहिए, ये आपको पूरा स्क्रिप्ट कम्प्लीटली अप्लाई करना होगा तभी आपका प्रॉक्सी बनेगा। इस स्क्रिप्ट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आप सीखोगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। फिर पहले आपको इस कमांड को यहाँ पर यहाँ तक इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। इसके बाद इस कमांड की बारी, इसे करेंगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर वाई प्रेस करेंगे और एंटर। इसके बाद चेक करने के लिए आपका स्क्विड प्रॉक्सी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो इस कमांड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस एक्टिव और ब्रैकेट में रहेगा रनिंग। देन इस कमांड की बारी, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Ctrl+W, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे http://access:deny:all, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पेज आ जाएगा। फिर आप कर्सर बार को यहाँ पर लेके आओगे, देन इसे इस तरफ लेके आओगे, हमें यहाँ पर लेके आना है और करना है एंटर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ तक इसे करेंगे हम कॉपी Ctrl+C, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो चुका है तो हम कर्सर बार को यहाँ पर लेके आएंगे और स्पेस को हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से, फिर हम इसे इस तरफ लेके आएंगे और प्रेस करेंगे स्पेस बार, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पर हमें टाइप करना है आईपी एड्रेस, किसका, वर्चुअल मशीन का। यहाँ पर आकर इसे करेंगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और करेंगे सेव। सेव करने के लिए Ctrl+X, फिर Y और एंटर। अगर आप मेक यूज़र हो तो आपको प्रेस करना है Command+X। इसके बाद अगले कमांड की बारी, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर Y और एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी यहाँ तक Ctrl+C, फिर यहाँ पर आकर इसे करेंगे पेस्ट स्पेस और टाइप करेंगे यूज़र नेम, आपको क्या रखना है अपने प्रॉक्सी का यूज़र नेम। फिर आपसे कहेगा आप क्या रखना चाहते हो पासवर्ड, वो पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर से आपको दोबारा पासवर्ड टाइप करना है और करेंगे एंटर, तो आपका यहाँ पर यूज़र कुछ इस तरीके से हो जाएंगे ऐड। ध्यान रहे आपका केस में भी कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। इसके बाद इस कमांड की बारी, इसे करेंगे हम कॉपी,
फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और इंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और इंटर। फिर अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे सर्च बार। यहाँ पर टाइप करेंगे HTTP अंडरस्कोर एक्सेस स्पेस डिनाई स्पेस ऑल देन एंटर, तो आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। फिर आप कर्सर बार को यहाँ पर लेके आओगे और यहाँ पर आकर इसे करोगे कॉपी कुछ इस तरीके से। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो चुका है और इसे हमें करना है रिमूव, तो हम कर्सर बार को यहाँ पर लेके आएंगे, फिर इसे कर देंगे रिमूव, फिर ऊपर लेके जाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे और इसे भी कर देंगे रिमूव, देन इसे नीचे लेके आएंगे यहाँ पर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। यहाँ पर आएंगे इस तरफ लेकर इसे और यहाँ का इसका स्पेस को रिमूव कर देंगे, देन इसे करेंगे सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स वाई और इंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम रीस्टार्ट, उसके लिए इसे करेंगे हम कॉपी कंट्रोल प्लस सी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और इंटर। रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट फिर एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, HTTPS चाहिए या फिर HTTP, तो हम इसी को करते हैं अप्लाई। अपने हिसाब से आप चूज़ कर लोगे आपको कौन सा बनाना है। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, कर्सर बार को यहाँ पर लेके आएंगे यहाँ तक और इसे कर देंगे रिमूव कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे यूज़र नेम, आप जो भी प्रॉक्सी का यूज़र नेम रखे हो वही यूज़र नेम यहाँ पर टाइप करना है। मैंने क्या रखा था डेमो, फिर इस डेमो यूज़र नेम का क्या पासवर्ड है कोलन टाइप करने के बाद वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करोगे, देन एट द रेट, फिर अपने वर्चुअल मशीन का यहाँ पर आईपी एड्रेस को करोगे कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट। फिर कर्सर बार को यहाँ पर लेके आएंगे और करेंगे इंटर, तो आपका प्रॉक्सी यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ऊपर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा कनेक्शन में कीप अ लाइव, देन नीचे आकर यहाँ पर इसे कर देंगे एग्जिट। अब चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पर इसे करेंगे कॉपी, फिर कंप्यूटर का सेटिंग में जाकर प्रॉक्सी को ऐड कर लेंगे। प्रॉक्सी में जाकर सेटअप में क्लिक करेंगे, फिर इसे करेंगे ऑन। आपका ऑलरेडी जो भी प्रॉक्सी होगा यहाँ पर इसे करोगे रिमूव, हो सकता है कि आपके केस में एक भी ना हो। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पोर्ट, पोर्ट क्या होगा 3128, देन करेंगे सेव। फिर यहाँ पर आकर इसे करते हैं अगर हम रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पर पासवर्ड, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हुवर में जाकर कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पर यही आईपी एड्रेस आ चुका है जो वर्चुअल मशीन का है, यानी कि हमारा प्रॉक्सी बनकर रेडी हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको डिजिटलाइजेशन का प्रॉक्सी स्पेशली इस काम के लिए चाहिए तो इसमें वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका SP ब्लॉक है। इसके अलावा आप उस काम को छोड़कर जितने भी काम हैं वो सारे काम कर सकते हो। इसके बाद सीखते हैं अगला वर्ज़न, पहले इसे करते हैं स्टॉप। अब सीखते हैं 24 वाला वर्ज़न। यहाँ पर आने के बाद क्लिक करेंगे क्रिएट में, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉपलेट्स, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपना लोकेशन, आपको किस लोकेशन में होस्टिंग करना है। यहाँ पर उबंटू होगा, देन यहाँ पर हम इस मर्तबा लेने वाले हैं 24 वाला वर्ज़न। मैं 24 वाला वर्ज़न में जो स्क्रिप्ट अप्लाई करूँगा वो स्क्रिप्ट 22 वर्ज़न और 20 वर्ज़न में ही वर्क करेगा, हालांकि जो आपने अभी देखा वो सिर्फ 20 वर्ज़न के लिए हैं। अब मैं आपको जो स्क्रिप्ट दिखाने वाला हूँ वो ये सारे वर्ज़न में वर्क करेगा, हालांकि इसमें वर्क करेगा या नहीं करेगा इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसमें कभी भी टेस्ट नहीं किया। तो चलिए हम इसको करते हैं सेलेक्ट, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे CPU टाइप और यहाँ पर ले लेंगे इंटेल या फिर AMD, इस बार जाते हैं हम इंटेल के साथ। करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर रखेंगे पासवर्ड में और यहाँ पर टाइप करेंगे अपना पासवर्ड कि आपको पासवर्ड रखना है अपना वर्चुअल मशीन का। ध्यान रहे आपका पासवर्ड ऐड कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, होस्ट नेम को करेंगे रिमूव, आप यहाँ पर छोटा सा कुछ भी होस्ट नेम टाइप कर सकते हो। देन यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट ड्रॉपलेट, फिर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट होने लगेगा। फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगे, देन इसे करोगे कॉपी, फिर CMD को कर लोगे ऑन। इसके बाद यहाँ पर टाइप करोगे SSH स्पेस रूट
एट द रेट आई पी टेस्ट करोगे पेस्ट, फिर एंटर, फिर यस टाइप करोगे और एंटर, फिर यहाँ पर टाइप करोगे पासवर्ड, आपका जो वर्चुअल मशीन का पासवर्ड है वही यहाँ पर टाइप करना है, जो पासवर्ड आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक्त रखे थे वही पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है, फिर करोगे एंटर, तो ये हो जाएगा कुछ तरीके से कनेक्ट। इसके बाद इसे प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के लिए ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, इसे करेंगे अप्लाई, इसे करेंगे यहाँ तक कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी कंट्रोल प्लस सी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और करेंगे एंटर। अब आपको यहाँ पर वेट करना है 1 से 2 मिनट। इसके बाद यहाँ पर इसे करना है कुछ इस तरीके से कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और एंटर, फिर यहाँ पर टाइप करोगे यूज़र नेम, इसके बाद आपको टाइप करना है पासवर्ड, फिर एंटर, फिर से दोबारा पासवर्ड टाइप करोगे और फिर एंटर। इसके बाद इसे करेंगे एग्ज़िट, आपका काम ख़त्म। अब चेक करेंगे कि यह वर्किंग हुआ या नहीं, उसके लिए इसे करेंगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर प्रॉक्सी में जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, इसे करेंगे ऑन, इसको पहले कर देंगे रिमूव, फिर यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट, सेव, फिर यहाँ पर आकर इसे करेंगे रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से आपसे यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा यूज़र नेम, फिर पासवर्ड टाइप करेंगे, देन साइन इन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका वर्चुअल मशीन का आई पी एड्रेस आ जाएगा, यानी कि अब आपका प्रॉक्सी बनकर रेडी हो चुका है। अब चेक करते हैं कि यह प्रॉक्सी फायर में वर्क करेगा या नहीं। ये 24 वाला वर्जन है जिसका स्क्रिप्ट मैंने ये वाला इस्तेमाल किया, तो चेक करते हैं प्रॉक्सी फायर में वर्क करते हैं कि नहीं। प्रॉक्सी फायर में जाएंगे, देन ऐड में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आईपी एड्रेस को करेंगे पेस्ट, यहाँ पर टाइप करेंगे पोर्ट, फिर यहाँ पर प्रोटोकॉल लेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अनेबल, यहाँ पर टाइप करेंगे यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, देन क्लिक करेंगे चेक में। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रॉक्सी फायर में आपका प्रॉक्सी वर्क कर जाएगा। वहीं 20 वाला वर्ज़न प्रॉक्सी फायर में वर्क नहीं करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 20 वाला वर्ज़न है, इसे करते हैं हम कॉपी, फिर जाएंगे प्रॉक्सी फायर में, इसे करते हैं हम रिमूव, इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड सेम है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं चेक में, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्रिप्ट अलग अलग है। ये जो स्क्रिप्ट है ये 20 वर्ज़न, 22, 24 सब में वर्क करेगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट आपका सिर्फ 20 वर्जन में ही वर्क करेगा। साथ में इस स्क्रिप्ट से आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में ये स्क्रिप्ट ना वर्क करे, तो ये वाला स्क्रिप्ट आपका हमेशा वर्क करेगा 20 वर्जन में। हालांकि ये वाला आईपी प्रॉक्सी फायर में वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये वाला स्क्रिप्ट आपका सारा वर्जन में वर्क करेगा, साथ में इस स्क्रिप्ट से बना हुआ आईपी प्रॉक्सी फायर में भी वर्क करेगा। तो आप जान चुके हैं किस तरीके से आप डिजिटल ओशन की मदद से अपना प्रॉक्सी बनाओगे। साथ में अगर आपको ट्रेवल वगैरह के लिए प्रॉक्सी चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा स्क्रिप्ट का फाइल डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, इन दोनों PDF को। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।